नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। पिछली वाली कड़ी में हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में एक सबसे आखिरी यानी आज़ादी से पहले की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलता है जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने नारा दे दिया था साहब कि करो या मरो, कि अब तो जो है वो भारत को आज़ादी मिलकर ही रहेगी। उसके बाद क्या परिवर्तन हुए और 1945 तक जिस तरीके से आंदोलन खत्म हो चुका था, 1945 के बाद के भारत में क्या इंपॉर्टेंट परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर इंपॉर्टेंट घटनाएं देखने को मिलती है, उनके बारे में इस कड़ी के अंदर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसे प्लान की जो अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधारों की एक रूपरेखा बनाने के लिए बनाया गया। फिर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 1945 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और साथ साथ में मुस्लिम लीग की क्या स्थिति थी। और हम एंड में बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जिसका मकसद था भारत के अंदर सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, जिससे हमें आज़ादी भी मिली। तो हम इन तीनों इंपॉर्टेंट घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विवेल प्लान की। तो क्या था ये विवेल प्लान? लॉर्ड विवेल जो उस समय के वॉइसरॉय थे, उन्होंने ये प्लान बनाया और इस प्लान के अंतर्गत जो संवैधानिक सुझाव देने हैं, जो संवैधानिक सुधार करने हैं, उनकी एक रूपरेखा बनाई जाएगी, उनका एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और अब जो है वो भारतीयों को कार्यकारी परिषद के अंदर जोड़ने के लिए इस प्लान को बनाया गया। इस प्लान के अंतर्गत भारतीय ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ये जो कार्यकारी परिषद होगी, इसके अंदर गवर्नर जनरल और साथ साथ में CIC यानी कमांडर इन चीफ को छोड़कर मैक्सिमम सदस्य, सारे के सारे सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। और साथ साथ में इस प्लान के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है कि प्रांतों के अंदर किस तरीके से मिली जुली जो है सरकारें, उनकी स्थापना करी जाएगी। तो ये प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो संवैधानिक सुधार के तौर पर कई सारे काम करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनकी मंशा जो थी वो तो साफ नहीं थी, वो तो अभी तक हमें इतिहास देखकर पता चली गया। लेकिन ये जो प्लान था ये भी उसी कड़ी के अंदर एक और सुझाव के तौर पर, सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहब विवेल प्लान कब, कौन और क्या के कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। साहब विवेल प्लान आता है जून 1945 के अंदर। जिसने व्यक्ति ने इसके पीछे थे यानी इस प्लान को बनाने के पीछे थे, तो वो थे वॉइसरॉय विवेल, जो उस समय के भारत के वॉइसरॉय थे, जिनका नाम है साहब लॉर्ड विवेल। विवेल के नाम से ही बना साहब विवेल प्लान। ये पूरा का पूरा प्लान, ये जो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट तौर पे प्लान था, ये क्या था? हमें देखने को मिलता है कि संवैधानिक सुधारों की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं उनकी एक रूपरेखा यानी उनका एक फ्रेमवर्क बनाने की बात करी गई कि भाई आने वाले समय में भारत के अंदर किस तरीके से संविधान बनेगा, किस तरीके से जो है हमें देखने को मिलता है कि कार्यकारी जो परिषद है उसका गठन किस तरीके से किया जाएगा। तो सोचो, अंग्रेज जो है वो संविधान में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ऐसा कर क्यों रहे थे, कारण क्या थे? भैया जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था ना, वो इतना उग्र रूप ले रखा था, सुभाष चंद्र बोस का डर था, जापानीज इन्वेजन का डर था, तो अंग्रेज़ों को भी बात समझ में आ चुकी थी कि भैया अब भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं रहा है और अंग्रेज़ जो ताकतवर हुआ करते थे अब वो पहले वाले अंग्रेज़ नहीं रहे। इस पूरे के पूरे प्लान के अंतर्गत था क्या वो देख लेते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नर जनरल यानी वॉइसरॉय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, यानी नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है वो गठन किया जाएगा। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस कार्यकारी परिषद के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल साहब खुद और उनके अलावा CIC यानी चीफ कमांडर इन चीफ, इन दोनों को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे, सारे के सारे इंडियंस होंगे। अब आप सोचो, 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म के अंदर भैया एक इंडियन आता है, 1919 के अंदर हमें परिषद के अंदर जो है वो बढ़ाव देखने को मिलता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है, 1935 में भारतीय सदस्यों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, और 1945 आते आते अंग्रेज़ जो थे वो इस कार्यकारी परिषद से पूरी तरीके से हट जाते हैं और गवर्नर जनरल और साथ साथ में जो CIC थे यानी कमांडर इन चीफ यानी आर्मी के जो हेड थे, उनको छोड़कर सारे के सारे सदस्य कौन होंगे भैया? भारतीय होंगे। गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे के सारे सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्लान के अंतर्गत एक और बात रखी गई कि जितने भी प्रांत हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनके अंदर मिली जुली उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तौर पर अगर देखा जाए कि जितने भी प्रांत थे उनके अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर अपन एक और मुख्य बिंदु के ऊपर बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि विवेल प्लान के अंतर्गत लंदन के अंदर एक हाई कमिश्नर की जो पूरी तरीके से
पद है उसकी स्थापना करी जाएगी। अभी हाई कमिश्नर करेंगे क्या भाई? भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को अंग्रेजों को बताने के लिए, यानी लंदन में डायरेक्टली बताने के लिए, उनकी बात का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो हमें देखने को मिलता है साहब, एक हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त की जो है पद की स्थापना करी जाती। तो ये तीनों सारी बातें थी। अब देखो आज एंड में हुआ क्या, ये सारे जो वेवल प्लान था, इसके विचार विमर्श करने के ऊपर, इसकी पूरी की बात को समझने के लिए जो है वो भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। कहाँ पर साहब? शिमला के अंदर। कहाँ पर साहब? शिमला के अंदर। और शिमला के अंदर एक सम्मेलन होता है जिसको अपन कहते हैं शिमला सम्मेलन। इसके अंदर ये जो सारी की सारी बातें थी उनको डिस्कस किया जाता है। और ये सारी की सारी बातें करने का एक और कारण था कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस कार्यकारी परिषद के अंदर मिले। अंत में हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग के गलत रवैये के कारण ये जो वेवल प्लान था ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है, पूरी तरीके से इसका कोई औचित्य नहीं रहता है। अब घटना आ जाती है साहब 1945, और 1945 में होने वाले थे भारत के अंदर चुनाव। देखो अपन ने 1937 के चुनाव देखे थे, याद करो अपने दिमाग में। 1937 के जब हमने चुनाव देखे थे तो हमने देखा था कि 11 में से 8 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो कांग्रेस सरकार बना लेती है, पर उल्टी तरफ जब अपन मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो वो किसी भी प्रांत के अंदर अपनी सरकार नहीं बना पाती। 1945 के चुनाव क्या हुए उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। 1945 के चुनावों में जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 102 में से 57 सीटें जो हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस जीत जाती है। और अगर अपन प्रांतीय चुनाव की बात करें तो कांग्रेस जो है वो मोस्टली जितने भी प्रांत थे उन सब में सरकार बना लेती है, चार प्रमुख प्रांतों को छोड़कर। एक तो बंगाल, एक सिंध, इन दोनों के अंदर जो थी वो मुस्लिम लीग अपनी सत्ता यानी अपनी जो पूरी तरीके से मंत्रिमंडल है वो बनाने के अंदर कामयाब रहती। साथ ही साथ जब हम पंजाब की बात करते हैं तो यूनियनवादी, कांग्रेस और अकाली मिलकर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित कर देते। हमें एक और बात देखने को मिलती है NWFP की, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस की, जिसमें मैंने आपको बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की बात, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से कहते थे। और उनका एक संगठन भी मैंने आपको बताया था और उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था भैया? खुदाई खिदमतगार। तो ये जो खुदाई खिदमतगार संगठन था ये NWFP में यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सरकार बनाने में पूरी तरीके से वो शामिल हो जाता है और ये अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लेता है। पर समझो अभी भी हमें एक बात देखने को मिलती है कि जो जिन क्षेत्रों को मुस्लिम लीग अपने अंदर मिलाना चाहती थी वहाँ पर भी वो पूरी तरीके से सरकार नहीं बनाई पाई थी, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब। और वेवल प्लान के अंतर्गत भी वेवल साहब को भी यही लगता है कि साहब मुस्लिम लीग जो है जब अपने पूरे के पूरे सारे के सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रही है, और भी दूसरे लोग हैं, और भी दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं उन क्षेत्रों में रहेंगे जहाँ पर मुस्लिम लीग अपना अधिकार कह रही है, तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो 1945 के चुनावों में भी मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ती है और स्थिति जो थी अब दिन ब दिन दयनीय हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि अब आ चुका था साहब कैबिनेट मिशन, जिसे हम कैबिनेट प्लान के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा प्लान जिसने अपन को यानी भारतीयों को जो है वो पूरी तरीके से आज़ादी दिलाई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ये प्लान अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन 1946 की बात करते हैं तो साल की सबसे प्रमुख घटना और साथ साथ में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं साहब कैबिनेट मिशन। अभी कैबिनेट मिशन था क्या? अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया था कि हमारी दाल यहाँ गलने वाली है नहीं, तो अब ताकत का हस्तांतरण करना था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना था, सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से होगा, संवैधानिक सुधार कैसे होंगे, किस तरीके से संविधान बनाया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, उसके अंदर जो संविधानिक समिति बनाई जाएगी उसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी की सारी बात हमें कैबिनेट मिशन के तौर पर देखने को मिलती है। तो ये सामान्य भाषा में अगर इसको समझें तो साहब कैबिनेट मिशन क्या था? भारत के अंदर सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया जो मिशन कहलाता है वो कैबिनेट मिशन कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करें। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 के अंदर आता है और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि तीन अंग्रेज व्यक्ति भारत में आते हैं। क्यों आते हैं भैया? सत्ता का हस्तांतरण करने, सत्ता का परिवर्तन पूरी तरीके से करने। कौन कौन व्यक्ति थे? तो एक तो थे साहब पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय पर भारतीय सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। क्या नाम था भैया? पैथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो अपने को नाम याद रखना है साहब एवी अलेक्जेंडर। कौन थे भाई? एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना प्रमुख थे। और तीसरे कौन थे भाई? तीसरे जो थे वो वापस भारत आ रहे थे। कब? जब वो 1942 में
जिस मिशन के साथ आए थे उसको फेल करने के बाद अब दूसरी बार वापस भारत आ रहे थे, जिनका नाम था साहब स्टेफर्ड क्रिप्स, जो लेकर आए थे साहब 1942 का क्रिप्स मिशन। तो ये तीनों अंग्रेज जो है कैबिनेट मिशन लेकर भारत में आते हैं जिससे सत्ता का हस्तांतरण हो सके। अब इनको याद करो भाई छोटी सी ट्रिक्स के साथ, क्या भैया पीएससी, क्या याद कर लो साहब पीएससी। अब पीएससी क्यों याद रखोगे भाई, इस मिशन से हम पाक हो गए थे, हम पास हो गए थे, हम पूरी तरीके से आज़ादी को पूरी तरीके से पा लिए थे। तो पी से तो क्या हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से क्या हो जाएगा ए वी अलेक्जेंडर, और सी से क्या हो जाएगा क्रिप्स हो जाएगा। तब देखो भाई ऐसी ट्रिक्स जो होती हैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए, बाकी फनी भी है पर अपने को याद रह जाएगा, अपने एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस इतनी सी मंशा है भैया, इतना सही सपना है। तो तीन व्यक्ति आते हैं पैथिक लॉरेंस ए वी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, क्या करने आए थे साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने सरकार ने भारत की समस्या का हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल, एक शिष्टमंडल जो है वो भारत भेजा था जिससे भारत के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हो सके, संवैधानिक सुधार हो सके, इस तरीके से भारत का आने वाला जो समय है कैसा दिखाई देगा उसके लिए एक प्लान भेजा था, एक मिशन भेजा था। अब क्या हुआ भाई, ये भारत में अगर आ गए और इन्होंने कुछ सुझाव दिए, और इन्हीं सुझावों को मानते मानते हमें जो है देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमारी जो संविधान सभा था उसका गठन जो हुआ वो भी यही कारण था, और भारत की जो आज़ादी का रास्ता था वो भी इसी मिशन के अंदर पूरी तरीके से क्लियर हो पाया। तो देखते हैं साहब, वॉइसरॉय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सलाह पर इन्होंने पूर्णतः इस तरीके से सुझाव दिए, एक एक सुझावों को देखते हैं। आप देखो जिन सुझावों की बात कर रहे हो ना आप, ये सुझाव हमें ऑलरेडी क्रिप्स मिशन में भी दिखे थे, ये ऑलरेडी वेवे प्लान में भी दिखे थे, ये ऑलरेडी हमें जो साइमन कमीशन की बात आई थी उनके अंदर भी दिखे थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन थे। पर ये घड़ी आ चुकी थी जब भारत की आज़ादी जो थी वो पूरी तरीके से नज़दीक थी। क्या क्या हुआ, इन्होंने कहा कि साहब एक भारतीय संघ की पूरी तरीके से स्थापना की जाएगी, और इस भारतीय संघ में होंगे कौन कौन, इसके अंदर ब्रिटिश भारत के प्रोविंसेस, वहाँ जहाँ अंग्रेज जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर यानी डायरेक्ट तौर पर जो है वो रूल करते हैं, और ये दूसरे इलाके वो देसी रियासतें जहाँ पे राजाओं का शासन है, जिसे अपन प्रिंसली स्टेट्स के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ जिसके अंदर ब्रिटिश भारत की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रांत होंगे वो सब होंगे, और साथ साथ में देसी रियासतें भी होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, प्रांतों को पृथक समूह बनाने का पूरी तरीके से अधिकार होगा। अगर कोई भी प्रांत मिलकर अपना अलग समूह बनाना चाहते हैं, अपना अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उनको पूरी तरीके से अधिकार होगा। अब आप सोचो इस बात से क्या भारत का पूरी तरीके से विभाजन होगा या नहीं होगा, क्या भारत के अंदर, भारत इतना बड़ा देश, इसके अंदर क्या हर 100 किलोमीटर में एक नए देश नहीं बन जाएंगे? तो सोचो भाई इतनी दयनीय स्थिति, इतनी खराब स्थिति पर अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़ना चाह रहे थे। तीसरी मुख्य बात हमें देखने को मिलती है कि संविधान सभा का पूर्णतः निर्माण होगा, और जब तक संविधान सभा का निर्माण होता है, सत्ता का हस्तांतरण होता है, तब तक हमें देखने को मिलता है कि केंद्र के अंदर एक अंतरिम सरकार यानी एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बनती हुई दिखेगी। तो ये जो चार मुख्य सुझाव थे ये कैबिनेट मिशन ने दिए, इनको याद रखो, दिमाग में बिठाओ। ऑल इंडिया फेडरेशन भैया ब्रिटिश इंडिया, और साथ साथ में प्रिंसली स्टेट्स बोले तो देसी रियासतें। दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव कि भारत को डिवाइड करना था, तो भाई जितने भी अलग अलग प्रांत हैं वो अपना समूह बनाना चाहेंगे तो भाई बना लो, यानी भारत को पूरी तरीके से बांटने का रास्ता इन्होंने तय कर लिया था। फिर वो तो हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर ने भारत को जो है लॉ पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं, भारत का जो है वो एकीकरण किया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात थी साहब संविधान सभा का निर्माण, और देखो संविधान सभा की शुरुआत होती है यहाँ से 9 दिसंबर की पहली कार्रवाई से, और 1949 को 26 नवंबर को आखिरी पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है मीटिंग होती है, और हमारा संविधान जो है वो पूरी तरीके से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। ये संविधान सभा के निर्माण की बात भी कैबिनेट मिशन ने ही कही थी। और बात, केंद्र के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जो वाइसरॉय थे वो जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करते हैं कि भैया आओ आप और पूरी तरीके से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ जिससे जो है ये समय पर सरकार चल सके।